सही जवाब उधर ही था। अरे बड़े हैं तो स्टूडेंट के सामने नहीं बोलते। हम और अभिनाश कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो क्या स्टूडेंट के सामने बोलते हैं? इनको चार गाली हमको देनी होगी तो ये अभी दे देंगे उनको। अरे ये कौन है भैया जिसको हेल्थ इश्यू हो गया? सर जी सॉरी सर, बीच में मेरा नेटवर्क इशू हो गया था सर, सॉरी। नहीं, ये किसका जो है हेल्थ इशू आ गया भैया? अरे ग्रुप पे देखो, संध्या है सर, तन्मय, संध्या का मैसेज है सर ये। तो संध्या से कहिए तुरंत ज्वाइन करें, उनका तुरंत वाइवा करा रहे हैं। ठीक है सर। प्रवीषी चली जाई, हो गया ना आपका? चलिए ठीक है। शिखा आई नहीं है, वेरी गुड। सक्षम? यस सर। बेटा आपने क्या क्या पढ़ा ये कहिए। सर वैसे पढ़ा तो है सर, बाकी आप पूछ लीजिए। आपको मैं भैया जो आपको आता है वही पूछूंगा, मैं क्यों ऐसी लीजिए। सर अब कुछ चीजों को लेकर तो मैं गारंटी के साथ कह नहीं सकता आपको कि सर मैं ये बता सकता हूँ। नहीं तो आप जिनके साथ कह सकते हैं, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, वो बताइए। सर आपको जो पूछना है पूछ लीजिए सर। अच्छा चलिए, सबसे एक बहुत कॉमन सी चीज पूछी गई है, जेडीके और जेवीएम में क्या अंतर होता है? अब मुझे उम्मीद आपसे ये है कि आप ये सवाल के जवाब बहुत अच्छे से देंगे। हेलो। हाँ सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है बेटा, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। सर जो जेडीके होता है सर, वो सर मेनली जो हमारा जेवीएम होता है सर, वो एक इंजन होता है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि हम उसमें जावा के प्रोग्राम्स को इजीली एग्जीक्यूट, इजीली रन करा सके सर। और सर जो जेडीके होता है सर, वो बेसिकली जो है हमारे एक प्राइम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, जो कि टूल्स को कंटेन करता है डेवलपिंग के लिए, डिबगिंग के लिए और जावा एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग के लिए। चलिए ठीक है। अविनाश सर कुछ आपको पूछना है? जो आपने बोला जावा एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग के लिए, इसका क्या मतलब हुआ?
सर जेडीके जैसा कि वो हमारा जावा डेवलपमेंट किट है सर, तो वो मेनली सर कोड एग्जीक्यूशन अभी बोला था तुमने कि जेवीएम जो है वो एग्जीक्यूट करता है। नहीं सर वो गलती से हो गया था। हाँ सर। अच्छा तो जेवीएम क्या करता है फिर? सर वो जो है इम्प्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करता है जेआरई को सर, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो नहीं तो बेसिकली जेवीएम का काम क्या हुआ? बस इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना जेआरई को, कंपाइल करने का, प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम किसका हुआ? जेडीके का कि जेवीएम का? सर वो जेडीके का काम है सर। जेडीके का काम है। यस सर। और एग्जीक्यूट करने का? सर वो जेवीएम का काम है एग्जीक्यूट करने का। एग्जीक्यूट करने का। चलो वेरी गुड। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं सर? एक्सेस मॉडिफायर्स एक्सेस मॉडिफायर टर्म सुनी है कभी? हाँ हाँ सर सुना है सर। एक्सेस मॉडिफायर सर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं ये? हम इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं सर। इसका सर एग्जैक्ट मतलब नहीं पता सर। वेरी गुड। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है सर? पॉलीमॉर्फिज्म सर इट इज द एबिलिटी टू ऑफ द प्रोग्राम टू मेक मेनी फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स। द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग पता है क्या होता है? हाँ सर फंक्शन ओवरलोडिंग। द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो अगर जैसे क्लास में सर मल्टीपल मेथड्स हैं जिनका सेम नेम है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं तो फिर वो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं सर। और पॉलीमॉर्फिज्म में सर डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है एक प्रोग्राम। फॉर्म्स ले लेता है मतलब कि सर एबिलिटी टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स। प्रोग्राम हैज द एबिलिटी टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा सर ने ये भी बहुत बार पूछा व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो तुम बताओगे व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर वो क्लास होते हैं जो जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिफाइन किया जाता है सर। कहीं भी कर लो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिफाइन है ना, अगर किसी क्लास के अंदर बीच में कहीं पे भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। सर मेनली ये होता है कि सर ये इंस्टेंशिएटेड नहीं की जा सकती सर। सर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी। ठीक है आप जाइए। थैंक यू संध्या अभी तो संध्या आई थी, कहाँ चली गई है तो संध्या? संध्या क्या हुआ बेटा, आज आपने क्विज भी नहीं दी? अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैं लिप्स रीडिंग नहीं जानता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। तो आप एक काम करिए, एक एप्लीकेशन डालिएगा, ठीक है, मेल कर दीजिएगा मुझको, सीसी कर दीजिएगा गौरव सर को, और उसके बाद जो है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रविंदर हाँ भैया, क्या क्या तैयार किए हो आज?
सब पूछ लीजिए सर, आप आता होगा तो बता देंगे सर। नहीं तो जो वही पूछ रहे, जो आता हो भाई, क्यों ऐसी चीजें पूछेंगे? हमको शौक है सबको परेशान करने का। सर हाँ, जो सेट आया है उसको अभी करके सबमिट कर सकते हैं? हाँ कर दीजिए सबमिट। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गई, फंक्शंस हो गए, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, क्लासेस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सब पढ़ा है। अच्छा थ्रेड्स क्या होती है? सर थ्रेड्स, थ्रेड क्योंकि जावा जो है बेसिकली यूजफुल होता है इसीलिए कि मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। तो हम थ्रेड अगर ना बता पाए तो हम जावा के साथ कुछ भी जो है जाती करेंगे। सर थ्रेड्स बेसिकली, थ्रेड्स सर एग्जीक्यूशन के टाइम पे काम आते हैं, और सर थ्रेड्स की जो है जावा में सर हायर प्रायोरिटी होती है। नहीं प्रायोरिटी तो हम सेट कर सकते हैं। हाँ सर, मतलब थ्रेड की तो लोअर प्रायोरिटी नहीं होती है सर, थ्रेड की हायर प्रायोरिटी होती है बाकी के मुकाबले। तो मल्टी प्रोसेसिंग हम कौन कर लेते हैं? सब मल्टी प्रोसेसिंग की जगह सर हम मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं, उसमें सर हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं थ्रेड्स के थ्रू। ठीक है ठीक है, आप डीम कर सकते हो। थैंक यू सर, बस इतना ही? नहीं तो और क्या पूछे? नहीं सर मतलब बस इतना ही, मेरा मन मतलब सही हुआ ना सर? हाँ बिल्कुल सही हुआ, सलीव कर दो। बाकी जितने बच्चे हैं भैया, ये जो है हम टाइम अपना टाइम स्लॉट देख लेंगे, आपको इंटीमेट कर देंगे। ठीक है? ओके सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ सर, एक चीज मुझे पूछनी थी, अविनाश सर उसको बहुत फोकस कर रहे थे। हाँ। सर पॉलीमॉर्फिज्म और हमारा जो वो होता है ओवरलोडिंग मेथड। सर पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक ही चीज को कई तरीके से किया जाना, और हाँ सर, और सर ओवरलोडिंग होता है कि जो हमारा मेथड का नाम है उसमें सर जो हम पास कराते हैं पैरामीटर सर वो डिफरेंट होने चाहिए, तो सर इसके अलावा कौन सा वो होता है उसमें डिफरेंट? पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के तरीका जो होता है वो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। सर ये तो ठीक है सर, लेकिन इसके अलावा कौन सा डिफरेंस है? बहुत छोटा सा बताएंगे, हो गया ना? मैंने तो यही तो बोला ही नहीं कि दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिफरेंस है। सर आपने कई क्वेश्चन पूछे सर, मैं नोट कर रहा था ये चीज, तो मैंने इसीलिए पूछा था ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कभी हमेशा तुमको समझ में आएगा कि हाँ इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का तरीका, हाउ टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरलोडिंग, दोनों टर्मोलॉजी एक ही चीज है। वही वही सर मैं सोच रहा था कि सर आप, मैं तुम बिल्कुल सही, मैं किसी और से पूछता तो फिर यही पूछता मैं, जब तक मुझे इसका जवाब ना मिलता मैं यही पूछता रहता, पर ठीक है तुमने पहले ही जवाब पा लिया, बाकी को भी मिल गया ताकि अगली बार सर मैं बच जाऊं। नहीं आपने जवाब दे दिया, हम तो कहते कि अभी टाइम मिल गया एक्सप्लोर करो। हां सर अब मैं देखूंगा इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू।